आज से कुछ महीनों पहले मेरे अबू का हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक की अजीब बात यह है कि यानी दांतों में कुछ फंस जाए तो उसे निकालना आसान है, मगर अगर दिल में कुछ फंस जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था कि हमें खून की 6 बोतलों की जरूरत है। मैं तकरीबन जितने भी दोस्तों को जानता था सबको मैंने कॉल लगाई। जब खून देने की बारी आई तो किसी एक का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव नहीं था, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि कोई एक बोतल तो ओ नेगेटिव की होनी चाहिए। ओ नेगेटिव का मैं सीन बताया था, सबको डोनेट कर सकता है लेकिन रिसीव खाली ओ नेगेटिव ही करेगा, यानी अपना ही ब्लड ग्रुप लेता है वो, और बहुत कम लोगों में होता है ओ नेगेटिव, बहुत मुश्किलों से मिलता है। अबे यार, मेरे किसी जानने वाले का ओ नेगेटिव नहीं है। अबे हाँ यार, मेरा भी कोई नहीं जानने वाला जिसका ओ नेगेटिव हो। कॉले भी घुमा रहे हैं और स्टेटस भी डाल दिया, किसका ओ नेगेटिव है, कोई है ओ नेगेटिव वाला? सैयद उस्मान, आपका ब्लड सैंपल ओ नेगेटिव है। और उनके लैब मेंबर ने जब मुझे बताया कि मेरा ओ नेगेटिव है तो मैंने कहा अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। खैर, डॉक्टर ने जो कहा था 6 बोतलें देने का वो हमने दे दी थी। फिर उसके बाद बिल्कुल मैं आराम से नहीं बैठ पाया। वो हॉस्पिटल था, वहाँ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। जब कई पेशेंट्स को बहुत जल्दी में ले आ रहे थे वो देख के मुझे बड़ा डर लग रहा था, और एक इंतकाल भी हो गया था जिसके बाद फैमिली सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रही थी, और मुझे डर लग रहा था ये लोग तोड़ फोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त लोग मरते हैं। आपको पता है हार्ट का ऑपरेशन हमेशा कामयाब थोड़ी होता। अबे यार अजीब साहब, ये बताओ कि मैं कैसे बचूंगा हार्ट अटैक से, मुझे तो नहीं होगा ना। बेटा गौर से सुनो, पहले जमाने में लोग अपने दिल पे इतना जुल्म नहीं करते थे जितना अब करते हैं। देखो बेटा, हार्ट अटैक से बचना बहुत आसान है। गंदी कचरा चीजें खाना छोड़ दो, बाहर के गंदे खाने खाते हो तुम लोग, फल सब्जियां खाते नहीं हो, और इतना तेल, उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं करते। रोज वॉक किया करो, रोज वॉक करोगे तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है, तुम पूरा वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, तुम्हें बोल रहा हूँ मैं। हकीम साहब मैं भी सुन ही रहा हूँ यार। और तीसरी चीज, टेंशन नहीं लो यार, अल्लाह पे भरोसा करो। तुम लोग तो पता नहीं हर चीज में टेंशन लेते रहते हो। तो देखो, टेंशन पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है, अब हम हर चीज की टेंशन लेते हैं, तो स्ट्रेस दिल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। अरे हकीम, क्या हो गया तुम्हें? हॉस्पिटल में शोर मचा रहे हो, अकल नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं कच्ची आबादी के लोग। अबे समीरुद्दीन चिश्ती, तमीज से बात करो, ठीक है ना? ओए मेरा नाम डॉक्टर सैम है। अबे फजूल में तुम प्रोफेशनल बन रहे हो, असली नाम पता है भाई मुझे तुम्हारा। यार आप लोग लड़े नहीं यार। डॉक्टर, ऑपरेशन का क्या हुआ यार? टेंशन नहीं लो यार, ऑपरेशन कामयाब हो गया। अरे मुबारक हो यार, ऑपरेशन कामयाब हो गया। अब मैं जा रहा हूँ यार पढ़ने, बाय। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद मैंने अपने ऊपर ये रूल बना दिया कि अब मैं कोई तेल वाली चीज़ नहीं खाऊंगा, ना बाहर का खाना खाऊंगा। क्योंकि उस वक्त जब मैं बाहर वेट कर रहा था तब मुझे कहीं से पता चल गया था पूरा प्रोसेस ऑपरेशन का क्या होता है। टांग काट के नस निकालते हैं, फिर सीना काटते हैं, फिर उसके अंदर नसें डालते हैं पुरानी वाली के ऊपर नई वाली, और रोज़ 10-12 लोगों के हार्ट बाईपास हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा अब भाई पक्का बचना है गंदे खानों से। माइक पे जब मैंने ऐलान सुना तो मैंने कहा ये तो मेरी फैमिली को बुला रहे हैं। अरे बेटा मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं से खून लीक हो रहा है, हमें दोबारा बाईपास करना होगा। जल्दी से कहीं से ओ नेगेटिव की एक और बोतल अरेंज करो। हकीम साहब मैं दोबारा खून दे रहा हूँ। भाई एक बार खून डोनेट करके ना थोड़ा गैप लेना पड़ता है, तुम दोबारा थोड़ी दे सकते भाई। चले मैं किसी को कॉल लगाता हूँ। ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। अबे 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 ये कौन है? ओए जल्दी आओ, ये देखो। हकीम साहब यार मैं अभी मसरूफ हूँ, तुम कब है? मैं ब्लड देने आया हूँ, वो डॉक्टर ने कहा था कि ज़रूरत है ना। अच्छा हाँ, तुम्हारा ओ नेगेटिव है यार, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा हकीम साहब आज। कौन है ये? माफ़ करना यार, आपको पहले नहीं बताया था, वो मेरा ये जुड़वा भाई भी है एक। और दूसरे ऑपरेशन के वक्त वही सारे सवालात, वही टेंशन कि यार अब घर को कौन देखेगा, कौन संभालेगा सब कुछ, और पता नहीं अजीब अजीब से कई सारे वसवसे, और वक्त बहुत हल्के गुजर रहा था। क्या हुआ डॉक्टर, दूसरा ऑपरेशन जल्दी हो गया यार, या फिर ऑपरेशन अभी चल रहा है? कुछ मंगवाना है आपको? फिकर नहीं करो बेटा, इसके पीछे कोई हिकमत होगी। देखो ये सारी मुश्किलात ही हमें मजबूत बनाती हैं। मगर ये डॉक्टर खामोश क्यों है यार? देखो बेटा, डॉक्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, इनसे भी सवालात नहीं करो।
ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, मैं ये देख रहा हूँ कि बारिश में घर कैसे जाऊंगा। अबे तो इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? मैं समझा ऑपरेशन फेल हो गया, और इसी तरह ऑपरेशन कामयाब हो गया और कई सारी चीज़ें पहले की तरह हो गई। लेकिन यार बड़ा दर्दनाक प्रोसेस होता है, मुझे पता है ना, मैंने देखे हैं कई सारे हार्ट पेशेंट्स। और आप कोशिश करें बचे तेल से, सही है, और उल्टे सीधे खाने से। खैर अच्छी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन ये दो लोग कौन हैं? क्या इनके पास कोई मिशन है? क्या ये किसी को नुकसान पहुँचाने आए? ये सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जितना जल्दी हो सके से ढूंढ लो। लेकिन सर पूरे पाकिस्तान के पता नहीं कौन से कोने पे ये जाके बैठा होगा, कहाँ कहाँ जाके इसको मैं ढूंढूं? मगर ये उस्ताद पॉडी का ऑर्डर है। अच्छा, इसका असली नाम क्या है? इसने अपना असली नाम किसी को नहीं बताया, मगर लोग इसे हकीम साहब बोलते हैं।